बताया हुए पटेल जो कि इंटरनेशनल कांग्रेस से हैं, दूसरे जो है लालू भाई बाबू भाई पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, तीसरे जो है शकील लतीफ खान जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, और चौथे कैंडिडेट है उमेश बाबू भाई पटेल जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो बाकी तीन कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ, उसका कारण है दो कैंडिडेट जो कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, करनाबेन लालू भाई पटेल और अमी केतन पटेल, चूँकि वो अपने अपने पार्टी के सब्सिट्यूट कैंडिडेट हैं, इसीलिए सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उनका सिर्फ मेन कैंडिडेट एक्सेप्ट हो गया, तो फिर सब्सिट्यूट का रिजेक्ट होना है, तो सिंपल रीजन था। जो तीसरे कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है वो क्रांतिकारी जय हिंद सेना की तरफ से उनको खड़ा किया गया था, जो कि एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन उन्होंने अपना एफिडेविट, चूँकि उनको भी चेकलिस्ट हमने दिया था 11 बजे तक के पहले का समय था उनका सही एफिडेविट देने का, तो उन्होंने अपना एफिडेविट टाइमली नहीं दिया है, इसीलिए उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में जो है वो कैंडिडेट करीब करीब 2:45 बजे अपना एफिडेविट सही करा के ले गया है, लेकिन तब तक हमारा स्क्रूटनी प्रोसेस ओवर हो चुका था, हम उसको एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं थे, इसीलिए उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है। तो जो स्क्रूटनी थी उसमें सभी कैंडिडेट्स भी ऑलमोस्ट प्रेजेंट थे, कुछ कैंडिडेट्स प्रेजेंट नहीं थे उनके प्रेजेंस में ही, और ऑब्जर्वर्स जो हमारे दफन में आए हुए हैं उनकी उपस्थिति में ही जो है स्क्रूटनी का प्रोसेस था, तो हमने कैरी आउट किया था। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर का रैंडमाइजेशन है वो भी आज हमने जो है ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में पूरी कर ली है, और जो टीम्स का जो कॉन्स्टिट्यूट होनी है हमारी करीब करीब 119 टीम जो है दमन में कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, जो कि इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता, होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना अच्छी आदत है। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है, संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कंडोम देना प्लीज। शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। अरे राजेश भाई, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। हाँ। और सूरज भाई आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है, चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।